नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ मिस्टर विशाल हैं, जिन्होंने आरआरबी अहमदाबाद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया में ये पार्टिसिपेट किए थे, और इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों को सक्सेसफुली कम्प्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले पूरा उमंग स्टडी 4 लाख परिवार की तरफ से हम लोग विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ अपना डीबी और मेडिकल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ताकि इनके माध्यम से बाकी स्टूडेंट्स को भी जानकारियां मिल सके। और इनके जैसे और भी कोई स्टूडेंट्स होंगे अदर आरआरबी के, तो उनसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारा ईमेल आईडी studyumang@gmail.com, इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट नंबर अपना ईमेल करें, ताकि हम आपका रिव्यू भी अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सके। तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सर थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो विशाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं कि कितने तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, और रिपोर्टिंग टाइम से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद मेडिकल के बारे में बात करेंगे। तो रिपोर्टिंग टाइम से लेकर के डीवी खत्म होने तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताएं। यस सर। सर मेरा डीवी था 7 अक्टूबर को, और ये 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। मैं एग्जैक्टली 2 बजे पहुंच गया था वहां पर, और वहां पे काफी बच्चे उसी टाइम पे ही आ गए थे, और एक शिफ्ट में 20 लोगों को बुलाया जा रहा था, 20 मॉर्निंग में और 20 इवनिंग में सर। और उसके बाद सर हमें अंदर बिठाया गया, और हमें 2 फॉर्म दिए गए थे। एक अंडरटेकिंग का फॉर्म था, जिसमें हमें मतलब ये कहा गया था कि ये फॉर्म भरने के बाद, अगर हम ये फॉर्म भरते हैं और हम मेडिकली फिट होते हैं, तो हमें ये ही पोस्ट मिलेगी, और बाकी की नीचे की सारी पोस्टें हमें नहीं मिलेगी। और अगर नहीं भरते हैं तो हम डायरेक्टली नीचे की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो फॉर्म था, और एक हमारी खुद की डिटेल्स के लिए फॉर्म था कि जैसे हमने 10th 12th कब कंप्लीट की थी, और एड्रेस, नाम वगैरह, ये सारी चीजें थी सर। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद हमें पर्टिकुलरली बुलाया गया था, जिसमें थंबप्रिंट और वो सारी चीजें मांगी गई थी। 3 थंबप्रिंट हुए थे सर, सॉरी 3 थंब स्कैन हुए थे सर। और उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स 3 बार वेरीफाई हुए थे आरआरबी अहमदाबाद में। पहली बार जो था वो मैम के जरिए हुआ था, और मैम ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए थे। और डॉक्यूमेंट्स का कुछ इस प्रकार था, जैसे 10th की मार्कशीट रह गई, और 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ रही अगर होगी तो वो 10th की मार्कशीट चला लेंगे, नहीं तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेट कुछ दिखाना रहेगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी रहनी चाहिए। फिर एक 12th की मार्कशीट रहेगी, और एक 12th का सर्टिफिकेट, फिर डिग्री की सारी मार्कशीट और डिग्री के सर्टिफिकेट, और बाकी जो बचा वो कैटेगरी रहेगा सर। और बस उसके बाद 3 एडमिट कार्ड, अगर जिसके पास जो सीबीटी के एडमिट कार्ड्स नहीं है, उसके उससे अंडरटेकिंग लिखवाया जा रहा था सर। और उसके बाद हमें एक आधार कार्ड की प्रिंट, और यही हमारा पैटर्न था, ऐसे ही पैटर्न में हमें 2 जेरोक्स सबमिट करनी थी, और एक ओरिजिनल उनके सामने दिखाना था। ओरिजिनल एक्चुअली ऐसा था सर कि हमारा जो 3 बार वेरीफाई हुआ था, वो एक था जो मैम के थ्रू हुआ था, वो फर्स्ट वेरीफाई वहां हो रहा था, सेकेंड हो रहा था जो सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन या वाइस सेक्रेटरी कहते हैं, उनके पास हो रहा था, और थर्ड हो रहा था चेयरमैन के पास। तो हमारा ये जो 3 वेरीफाई हुए थे, उसमें मेरे साथ जितने भी 20 लोग थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, एकदम सपोर्टिव थे सर, कोई किसी बात की परेशानी नहीं हो रही थी। और हमारा 2 बजे स्टार्ट हुआ था डीवी, और 6 बजे तक सबको फ्री कर दिया गया था। जी, आप अपना कैटेगरी बताएंगे विशाल जी? सर मेरा जनरल सर। जनरल। आपके CVT1 में रॉ मार्क्स कितने थे? सर मेरे रॉ मार्क्स थे कुछ नॉर्मलाइज होके 83 सर, रॉ मार्क्स? और रॉ मार्क्स थे सर 79 समथिंग थे, 77 79 थे सर, एग्जैक्टली इतना पता नहीं है सर। अच्छा, CVT2 में Level 6 में कितना स्कोर था? सर 80 सर, 80 80.25, Level 5? और Level 5 में सर 78 था सर, Level 3? Level 3 में सर 71, Level 2? Level 2 में था 78.75, ऐसे थे समथिंग कुछ। जी, तो आपके साथ जो भी आपके साथी गण गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यस सर। आपको तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, क्या आपके साथियों को कुछ परेशानियां हो रही थी? नहीं सर, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, और सब नॉर्मल चल रहा था। पर्टिकुलरली एक एक पर्सन को बुलाया जा रहा था, और उन्हीं के पीछे लाइन से दूसरों को बुला रहे थे, और ऐसे प्रोसेस चलती जा रही थी।
3 बजे तक स्टार्ट हुआ था सर, नॉर्मल डीवी 2 बजे तक, और 1 घंटे का हम आपको फॉर्म फिल करने का अवसर मतलब टाइम दिया था, और उसके बाद 3 बजे से एग्जैक्टली 6 बजे तक सब नॉर्मली चलता गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं रही। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स में स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा है डीवी के बाद मेडिकल के लिए? सर मेरे से पहले एक ही डीबी हुआ था 6 अक्टूबर को, जिसमें से 10 लोग सुबह 10 लोग शाम को बुलाए गए थे, वो दोनों को साबरमती भेजा गया। और उसके बाद हमारे जो 7 के सुबह लोग जो आए थे, उनमें से कई बच्चों को वडोदरा और जो आसपास के लोग हैं उनको साबरमती भेजा जा रहा था। और हमारे शिफ्ट में भी कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें वडोदरा भेजा जा रहा था, और साबरमती जो आसपास के लोग हैं उन्हें साबरमती भेजा जा रहा था। सर आपको कहाँ भेजा गया? सर मुझे साबरमती भेजा गया था। तो साबरमती आरआरबी अहमदाबाद से कितना दूर है, और वडोदरा आरआरबी अहमदाबाद से कितना दूर है? सर आरआरबी अहमदाबाद से वडोदरा लगभग 110 किलोमीटर दूर रहेगा, और ये हम साबरमती की बात कर लें तो वो राउंड अबाउट 20-25 किलोमीटर। सर जी, तो आप मुझे ये बताइए, एक आपने जिक्र किया कि जो आप लोगों का एडमिट कार्ड का जो आधा पोर्शन आपको एग्जामिनेशन के टाइम दे दिया जाता है, हम लोगों हाँ ने सर आरआरबी रांची में डीबी कवर किया, आरआरबी चेन्नई में डीबी का कवरेज किया, तो ये आरआरबी रांची और आरआरबी चेन्नई में डिमांड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसकी परीक्षा आपकी 2019 में ही शायद हुई है, हाँ सीबीटी 21 में की सर। 2020 में, सॉरी 2020 में, यस दिसंबर 2020 में, काफी समय बीत चुका है, लगभग 2 साल होने वाले हैं दिसंबर 2022 में। तो क्या कोई ऐसे स्टूडेंट थे जिसके पास एडमिट कार्ड के नीचे वाला पोर्शन नहीं था? हाँ सर, कई 2-3 लोग थे ऐसे, और उनके पास एक जेन्युइन रीजन था। कोई मतलब एक लड़की थी, उसने कुछ कहा था कि उसका पर्स चोरी हो गया था, उसमें सीबीटी के एडमिट कार्ड रखे थे, तो उसके चलते उनसे अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कराया था। आपके पास जेन्युइन रीजन होगा तो अंडरटेकिंग लिखवा मतलब करवा लिया जाएगा, लिखवा लिया जाएगा। और अगर वैसे तो मैं ये बता रहा हूँ, मेरे 20 लोगों के बीच में एक दो का ही ऐसा था सर जिसके पास नहीं थे, बाकी सभी के पास थे। तो इसके इतना ही मुझे जानकारी है सर 20 लोगों के बारे में। चलिए, अब हम लोग मेडिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डीवी से संबंधित एक आखिरी सवाल है कि यस जो सर भी स्टूडेंट्स आरआरबी अहमदाबाद में जाने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यस स्पेशली सर लेवल 6 के स्टेशन मास्टर के स्टूडेंट, तो उन हाँ स्टूडेंट्स को सर आप डीवी के रिगार्डिंग क्या मैसेज देंगे? सर हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसमें काफी लोगों का मुझ पे फोन भी आया था, और मैंने उन्हें भी यही बताया था कि एकदम नॉर्मल रह रहा है, किसी को कोई किसी बात की चिंता नहीं करनी है, और बहुत सपोर्टिव है वहाँ के सारे स्टाफ मेंबर्स जो भी हैं। और जिस तरीके से मैं पहली बार गया था, मतलब 2 बजे के आसपास, 2 से 3 मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे कंप्लीट होती गई कॉन्फिडेंस आता गया, और लास्ट में जब खत्म हुआ तब मुझे पता चला ये हम जो डर का माहौल बना हुआ है वो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मली जाइए और नॉर्मली सब कुछ होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो रहे हैं तो आप उनसे कहिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा, उनसे टाइम मांग सकते हैं, या फिर वो आपको कुछ बताएंगे कि क्या करना है, अंडरटेकिंग लिखवाना है। वो मतलब ऐसा है कि सर किसी को निकाला नहीं जा रहा है अभी तक। तो मेरे हिसाब से मेरे से पहले 20 लोग हो चुके हैं, मेरे मेरे में 20 थे, और मेरे से एक दिन पहले वाले भी 20 थे। ऐसा किसी को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है कि निकाला जा रहा है या वापस भेजा जा रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ा दी जाती है सर। तो आप कहाँ से गए थे विशाल जी आरआरबी अहमदाबाद? सर मेरा घर यही है सर अहमदाबाद में ही। अच्छा, अहमदाबाद में ही है, ठीक यस है। सर अब बताइए मेडिकल के बारे में कि आप लोग कब पहुंच गए थे मेडिकल के लिए, और क्या था रिपोर्टिंग टाइम, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मेडिकल के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। यस सर सर हमारा मेडिकल 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, और हम सारे बच्चे 8 बजे एग्जैक्टली पहुंच गए थे, और 8, 8:30, 8, 8:30 से स्टाफ भी स्टार्ट हो गया था आना। और स्टाफ ने सबसे पहले हमें हमारी स्लिप डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी सब स्टूडेंट्स को, उसके बाद हमें उन्हें वापस देना था एक फॉर्म, वो हमें देंगे, वो फॉर्म फिल भी करना था, और फॉर्म हमारे पास रहेगा, जिस फॉर्म में जो फॉर्म हमें सारे डॉक्टर्स मतलब जहां जहां हमें अलॉट किया गया वहां वहां लेके जाना है, और वो उसमें अपना लिख देंगे जैसा जैसा हमारा रिजल्ट आ रहा है। बस इसी प्रकार से चीजें चलती रह रही थी। और हमें हमारा सबसे पहले हुआ था एक्सरे सर, और वो राउंड अबाउट 9 बजे के आसपास एक्सरे हुआ था।
और पहले एक्सरे हुआ था, उसके बाद यूरिन टेस्ट हुआ था। यूरिन टेस्ट में भी कोई बच्चा, सबके बच्चे मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था हमारे 20 स्टूडेंट में से जिन्हें कोई दिक्कत आ रही थी। और फिर उसके बाद सर हमें दूसरे डॉक्टर के पास भेजा गया था, उन्होंने स्प्लिट लैम्प टेस्ट किया था जिसमें आइस का टेस्ट होता है कि मतलब किसी ने लेजिक ऑपरेशन कराया है कि नहीं कराया। डॉक्टर भी हमसे पूछ रहे थे कि आपने अगर कोई ऑपरेशन कराया है तो आप पहले से ही बता दीजिए। तो ऐसा तो कोई बच्चा हमारे शिफ्ट में नहीं था जिसने ऐसा कुछ करा, मतलब ऐसा इसमें फेल हुआ होगा। और उसके बाद सर ऐसा था कि 4 डॉक्टर की टीम थी और पर्टिकुलर और 20 लोग थे, हर डॉक्टर के पास 5 स्टूडेंट्स को अलॉट कर दिया जा रहा था। और फिर उसके बाद पर्टिकुलरली हर डॉक्टर अपनी तरीके से टेस्ट ले रहे थे सर, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही थी। और जो पहले से ही फिट है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जिन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें सर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा था, जैसे कि बीपी हाई हो रहा है तो उन्हें थोड़ा बहुत 1 घंटे बाद फिर चेक हो रहा है, 1 घंटे बाद फिर चेक करवा रहे हैं, ऐसी चीजें चल रही थी। और आई में सर बिल्कुल 19-20 नहीं कर रहे हैं, एकदम मतलब जैसा टेस्ट है वैसा ही टेस्ट ले रहे हैं। कोई मतलब एक ऐसा ही समझ लीजिए कि हार्ट हार्ट तो नहीं कह सकते, एग्जैक्टली टेस्ट हो रहा है सर। आप को नहीं दिख रहा है तो वो शायद फिर से पढ़वाएंगे। हमारे जो 5 स्टूडेंट्स जो थे, एक डॉक्टर को अलाउट हुए थे, हमारे 5ों में भी सर किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो विशाल जी, सो सबसे पहला जो टेस्ट हुआ वो कौन सा टेस्ट हुआ, किस सर एक्सरे हुआ था सबसे पहले हमारा। तरह से हुआ था, उसकी प्रक्रिया बताइए, प्रोसेस बताइए कैसे हुआ था। सर एक्सरे में हमें पर्टिकुलरली एक एक पर्सन को अंदर बुलाया जा रहा था और सामने बोर्ड पे खड़ा कर दिया जा रहा था, और पीछे से रेस लेकर नॉर्मल टी शर्ट वीशर्ट नहीं उतारना था, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे अगर चेस्ट पर है ब्लूटूथ हो गया ऐसी कोई चीज है तो वो उनको पहले से रिमूव करने को कहा गया था। और उसके बाद नॉर्मली हमारा एक्सरे ले लिया जा रहा था ऐसे खड़े 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 ही, 5 सेकंड का काम था सर ये। तो 5 सेकंड में सर सारे बच्चों का जल्दी जल्दी से ले रहे थे। फिर उसके बाद उन्हें यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया जा रहा था पर्टिकुलरली एक एक बच्चों को, और उसमें वहीं पे ही नोट करवा रहे थे कि जो भी बच्चा अगर दिक्कत आती है, किसी का भी डायबिटीज पकड़ा जाता है तो उसका ब्लड टेस्ट होगा, ऐसा कुछ हम जानकारी मिल रही थी। वैसे फिलहाल तो हमारे जो 20 बच्चों का ग्रुप था इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी, ये दोनों टेस्ट नॉर्मली हुए थे सर। दूसरा जो टेस्ट हुआ विशाल जी, वो कौन सा टेस्ट हुआ? उसके बाद सर स्प्लिट लैम्प टेस्ट था जिसमें डॉक्टर्स के पास हमें जाना था और हमारी आईज चेक हो रही थी कि हमने कोई ऑपरेशन या फिर लेजिक ऑपरेशन ऐसी कोई चीज तो नहीं करवाई है। तो वो जो टेस्ट था आई का वो थोड़ा हार्ड टेस्ट हो रहा था कि ताकि जिससे बच्चे मतलब कोई रॉन्ग बच्चे ना ना पास हो पाए, तो वो टेस्ट था थोड़ा सही टाइप में, उसमें हमें कुछ नहीं करना था, वो डॉक्टर्स ही सब करेंगे, डॉक्टर्स ही चेक कर रही थी सामने से, बस यही था सर। उसके बाद हमें फिर डॉक्टर से अलॉट कर दिए गए थे पर्टिकुलरली के। तो आई टेस्ट का प्रोसेस क्या था, वो किस प्रकार से वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी? सर ये जो स्प्लिट लैम्प टेस्ट था इसमें तो सबसे पहले यही चेक कर रहे थे कि मतलब ऑपरेशन नहीं किया। उसके बाद जैसे हमें डॉक्टर अलॉट कर दिए जाते थे, पर्टिकुलर 5 स्टूडेंट्स एक डॉक्टर डॉक्टर को जब अलॉट कर रहे थे तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से चेक कर रहे थे, जैसे हमारा नियर विजन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस, इसीरा बुक पढ़वा रहे थे, अगर कहीं जहां पाथ आता है तो वो पाथ हमसे बनवा ले रहे थे, और आई टेस्ट जैसे नियर विजन हो गया तो कोई एक पैम्पलेट था उनके पास, वो पैम्पलेट हमसे पढ़वा रहे थे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। और उसके बाद हमें डार्क रूम टेस्ट में ही हमारा फार विजन टेस्ट हुआ था, जो 6x9 वाला जो टेस्ट था वो उसमें हमें सी पढ़वा रहे थे, और एक डार्क रूम टेस्ट उसी रूम में ही हमारा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो गया था सर, जिसमें थोड़ा अंधेरा था, लाइट जला दी गई थी, हमसे पूछा गया था कौन सा कलर है ये, तो बस यही टेस्ट थे सर। ठीक है। तीसरा टेस्ट जो हुआ वो कौन सा हुआ विशाल जी? सर ये जो हमारा तीसरा टेस्ट था वो एक ही डॉक्टर के पास सारे टेस्ट हो गए थे, जिसमें सर हमारा हाइड्रोसिलिन टेस्ट और हर्निया टेस्ट, ये सारी टेस्ट हम वो डॉक्टर करवा रहे थे। उन्होंने हमसे उठक बैठक करवाई थी, थोड़ा चलवाया था और थोड़ा गोल घुमाया था, उसी से वो पता लगा रहे थे कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद सर हमारा बीपी उसी टाइम पे ही चेक हो गया था,
और जिसे बीपी की थोड़ा हाई आ रहा है, जिसे बीपी, उन्हें एक हावर का या आधे घंटे का थोड़ा टाइम दे दिया जा रहा था, उसका दोबारा बीपी चेक हो रहा था। अगर जिसका कंटिन्यूअसली बीपी हाई है, उनका ही ईसीजी हो रहा है सर, और बाकी का किसी का ईसीजी नहीं हो रहा था। मतलब नॉर्मल था एकदम सर। और वैसे काफी बच्चे हमारे जो 20 स्टूडेंट है, उसमें से एक दो बच्चे थे जो अंडर ऑब्जर्वेशन रखे गए थे, क्योंकि उनका कंटिन्यूअसली बीपी हाई था सर, बाकी सबका बीपी नॉर्मल ही था। तो उसके चलते जल्दी जल्दी हमारा ये प्रोसेस आगे बढ़ा दिया गया था, और हमें शाम तक ही नॉर्मल कह दिया गया था कि अब हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और फिर यही प्रोसेस था सर, शाम तक सबका फिनिश कर दिया गया था। तो ये जो तीसरा टेस्ट आपने बताया, यही आखिरी टेस्ट था या इसके बाद भी कोई टेस्ट हुई? नहीं सर, यही आखिरी टेस्ट था सर। तो शाम को कितने बजे छोड़ दिया गया आप लोगों को? सर एग्जैक्टली 5:30-6 बजे सर। और मेरा उस टाइम पे सैटरडे था सर, जो 8 अक्टूबर था, सैटरडे था, हाफ डे लगता है, तो हमें 3 बजे सबको फ्री कर दिया गया था सर। अच्छा, तो यस सर। मुझे लगता है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट आरआरबी में से वन आरआरबी है अहमदाबाद, जहां पे यस इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है। एम आई राइट? यस सर। एक्चुअली सर ऐसा है कि जो अनफिट हो रहे हैं, मतलब अनफिट के चलते, मतलब किसी का बीपी हाई हो रहा है, या फिर किसी को किसी प्रॉब्लम, किसी चीज की दिक्कत हो रही है, या शुगर की दिक्कत हो रही है, या फिर थोड़ा आईसाइट में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें कल, मतलब नेक्स्ट डे बुला बुला लिया जा रहा है, और नेक्स्ट डे उनका फिर से टेस्ट हो रहा है, जिसके चलते अगर ऐसे, तो मेरे जो भी मेरे ग्रुप में थे, उनमें से किसी का नहीं हुआ था, 2-3 लोगों का हुआ था, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था, फिर उनके बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, तो पता नहीं चला आगे क्या हुआ, लेकिन सभी को ग्रुप में पता चल गया था कि सभी को फिट कर दिया गया है, और ये अगले दिन तक फिट कर दिया था सर। मुझे, मेरा तो एक ही दिन में कंप्लीट हो गया था, बाकी सबका जल्दी फिट कर दिया था सर, अगले दिन ही। अच्छा, आपके हॉस्पिटल के अलावा जो दूसरा हॉस्पिटल था जहाँ पे स्टूडेंट्स को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा था, यस सर। उस हॉस्पिटल के बारे में आपको कुछ जानकारी है कि वहां पे मेडिकल में कितना समय लग रहा था दूसरे वाले हॉस्पिटल सर में? उसकी उसके बारे में सर कोई जानकारी नहीं है। एक दो फ्रेंड हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी यही कह रहे थे जो हमारे यहाँ हो रहा है, एकदम नॉर्मल था। और जो, मतलब सर वो एक एडवाइस ये दे रहे थे कि मतलब अगर आपको किसी चीज की दिक्कत है, तो आप बाहर से पहले टेस्ट करवा लीजिए, कि उससे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि वहां पे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। और जैसे कई बच्चे ऐसे थे घबरा रहे थे, कि आई के चलते घबरा रहे थे, उनका बीपी हाई आ रहा था, और कई बच्चे ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि मतलब एक्सरे में क्या रहेगा, तो वैसे काफी बच्चे घबरा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप बाहर से टेस्ट करवा लीजिए, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहेंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है, कुछ डाउट हो रहा है। लेकिन आरआरबी वडोदरा में मैंने उनसे जब पूछा गया था, तो वो भी ये कह रहे थे नॉर्मल था। एक दो बच्चों का था जो रीमेडिकल दिया गया, बाकी सबका नॉर्मल था सर। चलिए विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही ज्यादा बेबाकी से सारे सवालों को जवाब दिया। हमारे सब्सक्राइबर्स को और कोई फाइनल मैसेज देना चाहते हैं विशाल जी? सर मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका चैनल हम देखते थे, और वो चैनल में जो आरआरबी चेन्नई का मेडिकल हुआ था, तो जिस तरीके से वो डिटेल्स में बता रहे थे, तो हम घबरा रहे थे कि पता नहीं कैसे कैसा टेस्ट होगा, थोड़ा सा मतलब टेंशन में थे कि सर आगे क्या होगा, हमारा हमारा आरआरबी कैसे चेक करेंगे। लेकिन मैं आरआरबी अहमदाबाद का जब ये कंप्लीट हुआ था डीबी और मेडिकल, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर आप फिट हैं, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी सब सही हैं, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, और अगर फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे, तो आप उनसे थोड़ा मतलब बातचीत करेंगे, तो उससे सब हल हो जाएगा, इसमें घबराने की इतनी बात नहीं है सर, एकदम सपोर्टिव है सर सब। ठीक है विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। तो जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखे उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। जानकारी मिले है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमेशा ही यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर।